नमस्ते, राम राम, जय गुरु बाबा। सेवाली अपनों को आबा हेरती चौधरी ऑनलाइन टीवी यूट्यूब चैनल। हमारे इस चैनल में हमार सुर्खेत की सुर्खेत के थारू होकर कला संस्कृति वेशभूषा कला साहित्य और विविध समसामयिक विषय में बातचीत करती आई बाटी। आज हमारा कोलडाड़ा थारू होमस्टे में हमार अग्रज थारू कलाकार होकर से बातचीत बतैना जमर को करल बाटी और हमार कलकार टोली होकर उपस्थित हो सकल बाट। म यह क्रम में परिचयात्मक कार्यक्रम रह जाए तो अपन संपूर्ण परिचय दे दी कतिमय यहाँ हमार बेल कुमारी चौधरी यहाँ से शुरू कर जाए तो। राम राम, मार नाम बेल कुमारी चौधरी, मार जन्मस्थान के यहीं कुलराणा हो, बहुत सात नंबर होती है यहीं बस्ती। कला क्षेत्र में लगभग बात हुए धरती विधान की कला क्षेत्र में तो अधिक कोई 50-51 साल लिखने हैं बीच में तो बहुत ही दुख होगा। अरे कौन विधा में बात है? तो मैं घोटा हो छोटा गायन क्षेत्र गायन क्षेत्र जो मैं यहाँ अपन परिचय दे के लाए। राम राम, मार नाम ये चौधरी, मार घर भी नहीं वीरेंद्र नगर भी उड़ान भी कोलडाड़ा है। हमार घर घर तला से तो हम सात नंबर नहीं पड़ल अभी हमार वैष्णव स्थान आदमी कहा तो कौन आना नहीं हो आप गायन क्षेत्र तला से वो उन पचास एक आना हो वो नहीं हो। आप हम संघ हो संघ में अने एक ठो मधौटा एक ठो छोटा देखना छोटा हमार रोज गिर कहा पड़ल बीच में सर के फिर परिचय दे दी। राम राम, मार लाल बहादुर चौधरी, नगर पालिका वार्ड नंबर 2 कोलडाड़ा म बसोबास बा। कलाकारिता क्षेत्र के बीच में वो 2049 साल में मैं स्वर परीक्षण करना हूँ तो दूसरा चाहे वो रेडियो नेपाल सुर्खेत क्षेत्रीय प्रसारण में से सार्थक गीत चाहिँ रेकर्ड हुँदा जस्तो छलकल जेहरा मुगौटा छोकरा अपना गीत चाहिँ रेकर्ड हुँदा बिचमा कलाकारिता क्षेत्रके बिचमा नै फेर डान्स चाहिँ ग्याप हुन्छ बिचमा नै ग्याप भएको एक ठो चाहिँ म एक ठो सामाजिक व्यक्तित्व होइन व्यक्ति होइन पर्छ सामाजिक काममा मै सुरुवात गर्नु आप कह पड़ल देश 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 के विषय में न कह पड़ल हरेक दल हुईल को एक मैं एक डेमोक्रेसी कह पड़ल नेपाली कांग्रेस की मैं आजकल 12 महाधिवेशन के बीच में मैं जिला कार्य समिति के सदस्य रहने कल सके से अखि फिर जिला कार्य समिति के सदस्य बात राजनीति विषय में न कह पड़ल एक ठो पार्टी के मसे जनतन के चाहिए सुर्खेती थारून के कल्चर कह पड़ल संस्कृति रीतिरिवाज वेशभूषा भाषा भन्न चाहिँ जगिना जगिना बचिना चाहिँ जमर को सायद मैं लागत यहाँ से अगाड़ी से मैं सुरुआत नहीं कर लो अब धन्यवाद। साथी परिचय देती। राम राम, मरना चाहिँ नरबहादुर चौधरी घरकटुवा हो। मर जन्म चाहिँ 2031 साल कार्तिक 14 शनिवार हो। मै एक गायन क्षेत्र में हमार अग्रज लालबहादुर जी भगवान से नहीं प्रेरणा पाथन पास मैं लगभग लगभग कहे बड़ा 56-57 साल हो से मैं गायन क्षेत्र में आबद्ध हुई आबद्ध हुई में रेडियो नेपाल में फर्स्ट में चाहे मगोटा गीत रेकर्ड कर दोसरा जा खन 67-68 साल हो थे लोकगीत एक रेकर्ड कर रेडियो नेपाल में
अनि एक ठो डिठो चाहिँ आधुनिक गीत नेपाली आधुनिक गीत डिठो वहीँ जिल्ले नेपालमा गरेका कै गीत जस्ता उस्ता गर्न 2064 साल हो र कि कै सालमा हो भ्याव घर कना एल्बममा मै आउरे गोच्छीको छ दादुरे भाइकन गीतमा मै चाहिँ स्वर दिएको ओ वस्तखन अर्को गीत सप्तम शाली मुरली बजाउकन गीतमा चाहिँ मै स्वर दिलाबाटु अनि गायन क्षेत्र लगभग प्रेरणा कहबेल सकुवनले प्रेरणा मै आफ्नै ठोस दायक प्रेरणाले नै नै गायन क्षेत्रमा मै हो लाग परतकन ठो मनमा चाहिला कुर्से दाई नै मारे ठो मुख्य प्रेरणाको रूपमा दाई नै भेटी पराई गीतमै लगभग लगभग दाई गीत नै सिक्दाको अखन आपको अपरल आप सामाजिक जा मन आइल नै ठो समाजमा जोस समाज सेवा गर परत एखनाथे अपन मै टोल डाँडा पुरान बस्ती के टोल अध्यक्ष बाटो धन्यवाद अपना होकन अब अपना होकर हेर टी चौधरी अनलाइन टीवी यूट्यूब चैनल आज हमारा अस्त अग्रज कलाकार होकन होकम से हमार थारू समुदाय के कला संस्कृति कृषि के जागरना करना यही भावी पुस्ता होकन मगर कृषि का हस्तांतरण करना अथवा ये डगर में लागक लाग युवा टोली होकन कृषि खन प्रेरणा देना बारे में बातचीत बचने बाटी अब हमन से बात अग्रज कलाकार लाल बहादुर चौधरी वहाँ समाजसेवी थे हुईट राजनीतिज्ञ थे हुईट वस्तखन हमन से बात आज नर बहादुर चौधरी गायक अभी वस्तखन बाकी हमन हमन से बेल कुमारी चौधरी वहाँ को नक्ष एकदम अहम भूमिका बाई थारू समुदाय में तो गीत गीत गाखना पुरान गीत थुप्र वस्तखन मृदुता चौधरी थे बाकी आज हमारा थारू समुदाय के गीत संगीत के बारे में प्रसंग हो जाती यह क्रम में मई जाइ लालबहादुर सर से ये थारू समुदाय में विशेष कईखन थारू मनन लेखे जन्म मनन हुकन अलग कम देखा एक खास मेन कारण क्या हो धन्यवाद एक विषय में बुझे जनी मनन के शायद आजुक अवस्था हो यहाँ से अगाड़ी के अवस्था में हमारे एक ठो रूढ़ी वादी रहे जोन बेला में कि मोहेलन जहाँ तहाँ अलग दूर गीत गैना हो डांस और अर्थ हेरना हुई लगभग से मोहेला हो डांस यी कलाकारी के क्षेत्र में हम निजिना कारण हो आपकी पहिलक समयमा न एकदम कन्जर्भेटिभ र अशिक्षित रहिलो कारण से जाइ निस्याकन आप चाहिँ परिवर्तन हुँदा आप परिवर्तन हुँदा ऊ परिवर्तन हुँदा सवाल मन आप चाहिँ सायद महिला थिए एक शिक्षित वर्गकै रूपमा उत्रलबाट उभर चाहिँ यो कारण से आप त देख पर्छ मलाई लाग्छ यो प्रश्न मै बेलकुमारी चौधरी से जाइछु समय परिवर्तन त हुई परिवर्तन हुई अवस्थामा थे आजकल यह रूढ़ीवादी परंपरा हो का हो अपनो होकन चाहिँ समेट निसेगिल हो क्षेत्र में आजकल थे जो लौरिया मन बोलाई बेला में वहाँ घर में से परमिशन लेहे परत है मैं चाहे जाइनी देहे कह कर पर्ना अवस्था रहा घर में से जाइने देश को ना कारण तो नहीं है अपने घर व्यस्तता के करी अब काम बा व्यवहारिक हुई से अलग गाड़े होना घर परिवार सब लड़का बाल बच्चा अब अपने अपने शिवधारा में पर्व से गाड़े होना जिना मन तो निलग्लक नहीं हो लग्लक हो मैं घर से अमन से छुटकारा नहीं हिलक नहीं हो छुटकारा नहीं हो तर अपने व्यवस्था एकदम ऊँचा हिलक व्यस्तता हुए कारण से हिलक हो यी क उचा करला भर अब मजा डग्रीमा लग्लसे त ना जगना पुग्नु ओ म जाइकला अब मजा से अब ओ गायन क्षेत्रमा लाखन कलाकार बन्ना रह रलख मनेन्ट ना जाऊ घर परिवार फिकना पुग्नु
तर वहाँ पाछा पाछा लग्ना मन फिर उठे प्रनास लाल का अग्रज कलाकार प्रनास लाल हई अब अपने गीत गाए तो जान जाए वहाँ अब कौन समय में कसिम गीत गाए पर टुकना फिर थानी मिशा कर वह कर फे असिम हिल सकला अरे कपास पड़ल अब अपना नहीं जाए से गीत कारण फिर अब अपना वो अनुसार के गीत अब अपना सृजना कर नहीं सीखी ना अब फिर बना खन ले गीत गा गीत गाए ना तो कल से गीत गाई सीखी ना वो कह फे अलग पास पड़ल लगे नर्वाज सर से जाए तू हमारी समुदाय में गीत हमारा थारू समुदाय एकदम कला संस्कृति के धन ये मे आजकल जो बाबूहर भैयाओं ये क्षेत्र में प्रेरित करकला अथवा ये क्षेत्र में मजारा असी कला क्षेत्र में लग्लसे असिमी सिंह हुई कहन हुकन चाहिए ये क्षेत्र में आनक लाग हम क्या कर पड़े धन्यवाद सर्वप्रथम तो मैं कह कर ढुकल से चाशु ही भरम जबकि यी क्षेत्र में जा लाभदायक आर्थिक देखि लेखन इज्जत सम्मान पहिना सम्मान पहिना अर आर्थिक में फिर दिन से आमदानी होना ऊ बाटो चाहिँ जन अब काम त गर्न अब जस्तै गायन क्षेत्रमा त जिना मजा आखन चाहिँ पैसा नि पाजाइ ठोकल से होइन सम्मानको कृपा काम निचल सम्मान प्लस पैसा फे कमैना नाउँ कमैना यदि यो सिन माहौल यदि हुइटकल से सायद दिनेर लह ओहो एउटा चाहिँ दिल से हाम्रो इज्जत फेर्नार ल अनि दुई चार पैसा कमाइ फिर यिनीहरू कहीँ खानु आजकल देखि युवा पिँढी भएको नि सकुनले मेन कुरोहरू चासो यही पर्छ अब पर्ख पर्ख गेल बरभारी मनी बन्ठकना ऊ त गलतै हो निपरल मनी फेरि त कला क्षेत्रमा लाल मनी त अब यो उदाहरणको रूपमा त कैयौँ बाट नि त हाम्रा अग्रज कलाकार अब राष्ट्रिय स्तरको कलाकार बाट होइन हुँक्रो चाहिँ परल लिखन मिल चाहिँ फेरि त हुँकनको इज्जत त सम्मान त बाटी नि त ओसकन मै मर विचार आफ्नो व्यक्तिगत विचार कहाँ लाग्दो से सक्नुले चासो हुन्छ हो यी क्षेत्र चाहिँ हो मजार यी क्षेत्रमा लाग परटकन आफ्नो युवाबाट नि अब गाई गाईसिन अस्ति यहाँ बेला त हुँ तर बाहिर रूपमा त देखावटी नै हो नि त उनको हामीसँग आए खुल खाए अहिले निसक्नु भिट हाम्रो अब कोही सुर्खेतमा पढ एक उदाहरणकै रूपमा कोनो मनिया एक मानी अब दुई चारजना पहिलो ल पुरानो ल तर अखन लौ पिँढीमा फेरि आएको अब अठार उचा अख एक बाइसौँ एक्काइसौँ बाइसौँ शताब्दीमा आएको फेरि अब फेरि लौ उचा एक ठो भर्खर के लौ पिँढी चाहिँ हो हाम्रो यी क्षेत्रमा लागो पर त्यही खान लागल नि दिएको सकुनले मेन कुरो कहाँको चाहिँ चासो नै नि हो युवाको यीप्रति चाहिँ चासो बिहीनबाट चासो मिल्ने छ मतलब नि हो ऊ चाहिँ अरू काम गर्न भन्नु सजिलो मनै तर यी क्षेत्रमा चाहिँ है त्यही त बेकार के हो कि नआसक मान खप्यो उयो जस्तो लाग्छ मै ओखर कहाँ कतो गर चाहिँ काम त मै अब जस्तो कि काम त करै पर काम नाकै खान खाइ नि मिल काम के गर पर र यी यी क्षेत्रलाई हो आफ्नो संस्कृति जोगाइ पर आफ्नो एक ठाउँ कला संस्कृति जोगाइ पर तिमीमा लाग्लो चाहिँ आफ्नो उसा पहिचान हो देखाइ परत कला सोचिलो भने त लग्दी बाटी हाम्रो मै फेरि अब कठाइ पर सजिलो अब उमेरको हिसाबले फेरि अब कहाँ आउँकन उमेरले त अब हाम्रो पछाडि नै बाटी ओभे मै 49 लगभग 48-49 वर्षकै मने अभिन फेमे जाएको कार्यक्रम मै समावेश हुन्छु कार्यक्रम चाहिँ मै चासो भए चासो कसिम भएको चाहिँ मै पैसा सरकार नि हो मै पैसा नै हुइपर्कना मर्सोस नि तर कहाँ लाग्दो चाहिँ तर आर्थिक हुइपना जरुरी दिए पर्दैन क्या जस्तो कि म अर्थ आर्थिकै नि हो मै कुनै कार्यक्रममा जाइपना हुइलोस् नि केन्द्र स्तरीय कार्यक्रममा जाइपना हुनु चाहिँ पैसाले चल्छ तब पैसा नि हिँड्नु चाहिँ मै त उम्र चाहिँ जाइ नि सिक्न आइन ओखर ऊ कारणले गर्दाखेरि पैसा सकुल्ने कुरा यो आर्थिक मौजा लाभदायक निहिलेको कारणले यी अखन लगो पिँढीको निधल थैकन जस्तो लाग्छ जस्तो जहाँसम्म लाग्छ है धन्यवाद नगरिक पैसा त अनिवार्य आवश्यक पर थिएन कुनै गीत रेकर्ड गराए बेला होइन अथवा कोही सङ्गीत गराए कहाँ लाग्थ्यो आजकल त पैसा पैसै छ जुन चिजमा पैसा नै आवश्यकता पर्ने कुरो हो
हाम्रो थारू समुदाय कलाकारिता क्षेत्रमा अथवा ये कलाकार कागती हाम्रा सकुले थारू समुदाय नै यी धनीबाट हैन विविध किसिमके गीत थुक्रबाट मास महिना महिनामा गीत गिना गीत थुक्रबाट बाह्र महिनामा बाह्रै किसिमके गीत गीत गाउँदै बनाएको कुरो भयो होइन म हाम्रो अग्रज कलाकार हो कलसेदेखि अपना हुक्र मोगोटा गीत थे निकली छोकरा गीत थे निकली छल कला जिया मोर गाइदेकना गीत एक ठो अपना हुक्र अपना निकाल बनी ऊ ऊ गीत हाम्रा अब के पुस्ता हुक्र चाहिँ सुन्नु पहिले त पहिला पहिला जुन पुस्ता हुक्र रहन्छ ऊ पुस्ता हुक्र सुन ल होइन अब के पुस्ता हुक्र चाहिँ म चाहिँ रेडियो नेपालमा चाहिँ बज्ना गीत हो उठिना त आजकल रेडियो नेपालमा चाहिँ नाबज खान हो कि होइन हाम्रो चाहिँ उचित छ ऊ गीत चाहिँ हाम्रो अगाडि बढाइकै निस्केले कि अथवा आजकलको पुस्ताको कुरा उचित छ ध्यान दिएर खोइ त कि यो गीतको लागि आफ्नो एक ठो उह कुरान गीत एक ठो हुनु नाले गर्छ धन्यवाद यहाँको विषयमा न महिलाहरू कुरान गीत त खास नै हो पुरान गीत होइन जान्छ शब्द होइन प्रयोग गरिकन लय लय होइन प्रयोग लय होइन अपर फेरबदल गरिकन चाहिँ बनिलाई गीत हो खास हाम्रो चाहिँ बाह्र थो महिना र सुरुवातमा एक गर्छ कि लौ बरस कना लौ बरस कना चाहिँ हाम्रो माघक उचामा आए होइन माघक माघक 29 गते हाम्रो रातभर गुनगुने थिए अन्त रातभर ढुङ्ग्रुकना चाहिँ गीत गाइ थिए हाम्रो सुरुवात लौ बरस हाम्रो माघ थियो त्यसले यहाँको विषयमा गीत गुनगुनादै कहिले कहिले त मै माघमा चाहिँ सुरु गर्थेँ यहाँको विषयमा न कारण चाहिँ बाह्र थो महिना 36-24 थो लयकै गीत बनाउँछ आएको त हाम्रो तर एम काकल चाहिँ हाम्रो गैना कलक चाहिँ माघ लौ वर्षको चाहिँ मै यहाँको माघमा नाचबेर गीत गाएको थिएँ समुरे मिसगै बाबा कि सगर वारे हामुरे मिसगै बाबा के सगर वारे हेरी मेरी माली न हो सिन्दुरा बिसरी गे घट के पार हेरी मेरी माली न हो सिन्दुरा बिसरी गे घट के पार त यी मेरिक मेरिक गीत रहलक फरक फरक गीत रहलक महिना महिना अनुसारकै फरक फरक गीत रहलक होइन हाम्रो अत्र कला क्षेत्रमा अत्र धनी होइन यी चिज हुक्र चाहिँ हाम्रो अब होइन पुस्ता होइन हस्तान्तरण गर्न निषेध गरिन्छ होइन यी हस्तान्तरण चाहिँ गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो भए हाम्रो चाहिँ आफ्नो जुन अग्रस हुँक्र गीत गीत यही गीत अबकै जेनेरेसन हुँक्र अबकै पुस्ता हुँक्र चाहिँ थाहै नि पहिला हुँदा होइन यी गीत हुकन यी कला संस्कृति हुकन यी हाम्रो क्षेत्रमा जुन गीत थुक्रबाट महिना महिनामा गीत गिना गीत थुक्र ऊ गीत हुकन चाहिँ पुस्तामा हस्तान्तरण गरेको लाग्छ एक ठो आफ्नो कुरा चालो पर्ना कदम हुँक्र काका मै मेडम सिकाइ चाहिन्छु पहिला हाम्रोसम्म त दाना सुन्ने कल हाम्रो दाना नाप गए नै अखि पुस्तामा त लय नै लर्कना ना ना थाहा पाएको इन्साइड लय नै फरक पर्दै थियौँ हाम्रो बालोसम्म सख्या नाच नाच्थ्यौँ तह पर सख्या नाचके थिएँ लय आई हाम्रो गीत आ सख्या नाच नाच फेरि माघ नाच फेरि थिएँ लय आए आजकल लर्कनमा सायद छोर्ती गिलो खोज्छौँ कि लर्का अब लय नै फरक पार्थ्यो अब गीतले गीतले सिके अब एक लाख त अलिक बिचमा नाच गर्थेन अब आफ्नो संस्कृति निहेरी नगरी अब कार्यक्रम जस्तै हाम्रो अब दसैँ नाचे अब दसैँ नाचै लड्का अब अठिक लड्का नि थाहा पाएँ अनि कस्तो खान माघमा फे दुई तिन दिनसम्म नाच्थे उखे अब दिन जस्तो त ध्यान ना यस्तो खान अहिले ना उता जाइकला त कस्तो खान उयो पर्ना हो चासो दिने पर्ना हो
उहाँ त आजकलका जेनेरेसन आजकलकै पुस्ताकै चासनी धर्ल खुइटा कि होइन अथवा पुरान पुस्ताउक्र यी सिकाइनि चल खुइटा कि है अथवा यी मौका नपाखान हो कि उफे विषयगत यता बारेमा लागत सर क्या भयो धन्यवाद यहाँ विषयमा मैका लागत कि पहिलक चाहिँ जुन आज पुर्खनकै बिचमा न मै कुछ जान परत कहीं खन त पहिलो प्रथम त चासो दे कुराल मनेन्से आपन शिशिपार मनेन्से हाम्रो यी बाह्रौँ महिना चौबिसौँ लय गीत गाजायत तर काका गीत गाजायत कहीँ चाहिँ पहिलो प्रथम सिक्न चासो दिनु पर्यो आजकालिक जुन लौ चाहिँ जेनेरेसनबाट नि लौ लौका लौरनबाट लौन्डीबाट हेक र यी बिचमा न हेक्र दान चाहिँ चासो दिए तर आमार संस्कृति होइन बचाइ परत कला संस्कृति बचाइ परत र चाहिँ वेशभूषा भाषा सबै बचाइ परतकन चाहिँ आजकालिक जुन यी पढल लिखल लड्काउँ भएको पहिलेको समयमा पढल लिखल नि र आजकल एकदम पढल लिखलबाट उक्र कहाँ चासो देखे पर्यो कि कलाकारिता क्षेत्रमा के चासो देखे पर्यो किन ऊ चासो देखेको लागि त एक ठो भाषा संस्कृति होइन नि बिर्सिदेन लोप नि हुन हुँदैन सोच फेर हुनु पर्यो हरेक चिजमा जहाँसम्म लागत लौ चाहिँ पीडिनमैका कहर चहको कल चाहिँ आफन कलाकारिता क्षेत्रमा केल जाइपरत गायन क्षेत्रमा केल जाइपरत कना नि हो तर चाहिँ हरेक विधा हरेक चिजमा जब कि यहाँ सुर्खेती थारुनके चाहिँ युवा पीडिनमैका कह चहटो कल चाहिँ संस्कृति संस्कार धर्म रीतिरिवाज सामाजिक सेवा हरेक चिज भए यहाँ त बहुत चिज भए राजनीतिक शब्द बा राजनीति बा शैक्षिक हरेक चिज भए उही हेर्न त आजकालिक युवा चासो दिए पर यदि चासो नि दिएलसे सायद उठाउँ त अपटुटे आफ्नो घरमा न त देहे त नि जाइ हरेक चिज फेरि कमाएको लागि त कुछ मेहनत गर है पर्थ्यो उहो कर लागत हाम्रो काखर निदेल बुढाइल मनै कैखन कनाकेल हाम्रो गुनासो गर्न चाहिँ मजा नि हो कि हाम्रो खोज जाइ पर हाम्रो खोजलसे पैना हो लि माने र एक ठुल चाहिँ कालिक चाहिँ बुढाइल मन मनेनको बिचमा न चाहिँ मै सिफे एजेट मनेनको बिचमा न मै जाए जाइटु जहाँसम्म लागत गुण ज्ञानकै विषय बा गुण ज्ञानकै विषयमा फेरि पहिलो अत्र कन्जुसाइ गर कि सिकिन अप्ठ्यारो मान तर आजकालिक लड्का हो कि सिक्न गाह्रो मन ऊ सुर्खेत मन आप चाहिँ गुरुवाही गर्न चाहिँ अवस्था गिर्दा ओराइ ओराइटी जाइ त फेरि थप ऊर्जा नगरपालिका हुर्से पैसा छुट्याउल छुट्टिलो गर्छे ल आफन चाहिँ गुण ज्ञान चाहिँ लो फिटा है कहीँ कहाँ नगरपालिका छुट्या दिएको कारण चाहिँ आजकल चाहिँ कोनो कोनो चाहिँ मुने सीमित रूपमा न चाहिँ देखा परल भएर उखर यी हरेक चिज कलाकारिता क्षेत्र होइन राजनीतिक क्षेत्र होइन सामाजिक क्षेत्र होइन आर्थिक क्षेत्र होइन हरेक चिजमा सबसे पहिलो प्रथम त चासो आफ्नो देखे परल र खोजी गर परल उहाँको मै लागत मै एक कलाकारिता क्षेत्र सामान्य चाहिँ उठो एक राजनीतिक सामाजिक सेवा गर्न सवालको बिचमा न मै चाहिँ मर जानल चिज सुर्खेती युवा मर जानल चिज सुर्खेती युवा लालबहादुर चौधरी से आखन सिक्न पुस्न पुछ यहीँ कल से उहाँकन मै आफन जानल बुझल चिज उहाँकन देना तयार बाटो जहाँसम्म लागत उहाँकन खोजी गर जहाँसम्म उहाँ त आजकलकै पुस्ता हो र ऊ सिक्न चासो नाधर्कन फेरि अवस्था आइसक्यो लोकखेती जेना अवस्थाकै आइसक्यो भएको अब हाम्रो यहीँ जगेर्नाको लाग यहीँ जोगाएको लाग हाम्रो हुँक्र चालक पर्ना कदम हुँक्र अथवा राजनीतिक क्षेत्रमा सेहित अथवा हाम्रा गाउँ समाजमा सेहित होइन कसी खान जैना कागज खान जैना होइन यी विषयमा हाम्रा कला संस्कृति जगेर्नाको लागि जोगाएको लाग हाम्रो पुरान पुस्ता उक्र अब लौ पुस्ता उक्र खेल पर्ने भूमिका हाम्रो काका धन्यवाद सबैलाई धन्यवाद एम न भूमिका कहबेला सबजना भूमिका रहन्छ
एक कतना मैकेल यही कला संस्कृति जोगाई के सीखना चाहिए अवस्था नहीं यहाँ का लाई तो बच्चा देखी ले खाना बुढ़ाइल सम हमारा अग्र शंकर सब कुछ है ना हाटी वालों का एक ना गिरो से कला संस्कृति है जगह ना करो सीख अब मानी मैं उदाहरण दे दूँ अब हमारा पेट की बात है बुढ़ैल मनी हिलो से थे कला संस्कृति नाच गान में हमारे बाबा बाबे जीठा कार्यक्रम में यार जीठा और चासू को लोग हमारे गांव में सेट हमारे बाबा बुढ़ैल जब्ती को आओ दोनों से चासू अस्त मनी चाहिँ सबको जना सबको गाउँमा से एक दुईजना बुढाल मनी फे अब उदाहरणको रूपमा टिमपुरमा हाम्रो शेरबहादुर चौधरी फे लिएछ उहाँ फे एकदम यी कला क्षेत्रमा जहिया फे अहम भूमिका खेलथाउँकार सुर्खेतमा एक थारुनके इज्जत जोगाएको लाग फे उहाँ खमै मन ठुँ बुढालै हुलसे फे जा खाना दशक माझमा जा खान आफ्नो परिस्थिति देखिथ्यो अगर यठो कहाँ लाग्दा चाहिँ ओहो ऊ स्वाजपना खन जनबाट युवा पिँढी उठबाट नि स्वाजपना हाम्रो कहाँ हो कल चाहिँ ओ अस्सिन बुढाल मुनि त अस्ति लालबाट कल चाहिँ हाम्रो कलम त भर्खरै मने उठी भर्खरै युवा यठो जो जाँग्र लग मने उठी तब हुङ्क्रो स्वाज पर्ना हो कि नि हो त यो सोच्ना कि नि सोच्ना हाम्रो संस्कृति जोगिना बाकी कलसे ओटा बुढाल मनिया लागटा कलसे हाम्रो चाहिँ लग्ना कि लग्ना का म यही प्रश्न गर्छु हाम्रो युवा पिँढी हो खर युवा पिँढी पिँढीबाट नि जाउँ युवा पिँढी जाउनबाट बरु आप अग्रसम्म काका फिकै डरला कि यमुना चाहिँ का गर परक त जन अब जस्तो कि मानि अग्रस यहाँ सुर्खेतमा फेरि बहुत बाटो सिपा सिपार बोल्ने फेरि बाटो हरेक गीत सबजनाले बाटो तर एकजना फेरि जा खान मै सिकादिएको खान हामीसम्म सायद निकिलो भने जस्तो लाटै मै काँगर गरेर चासो नै नि सिखान कहाँ चोरी नकन युवा पुस्ताको फेरि चासो धर्न पर्छ एकदम ओखर याकर लागि त मेन भूमिका गर युवा पिँढी के हो युवा हुँ र मेन भूमिका कन युवा पछाडि चाहिँ हम्मे डम्मे कना चाहिँ बुढाले जो बुढापाकाबाट नि ढोक्रो चाहिँ ल है बाबु टुरासी गरो हाम्रो चाहिँ पछाडि टुर बाटी है त्यो डगर देखादिला बाटी चोलो टुरो हाम्रो पछाडि हाम्रो बुढाल मुनि आर कर्ना त्यो हाम्रो बाटी है कहीँखन बुढाल मुनि फेरि बाटा तर यी लौ पिँढी चाहिँ युवाहरू चासो नदेखन है अब हाम्रो अम भूमिका कोही बेला खास भूमिकाको लग नै हो कि युवा पिँढी विपरल चाहे लौड्या होस् चाहे लौरा होस् चाहे बुढाइल होस् चाहे भर्खरी बाल होस् बाल कलाकार होस् सबको जन लाग्छ न हाटे मालो कति किलो चाहिँ पक्कै फेरि एकदियो हाम्रो कला संस्कृति पक्कै फेरि अगर चाहिँ संवर्धन गर सक्दै अगर संरक्षण गर सक्दै जस्तो लाग्यो धन्यवादमा हाम्रो आज कोलडाँडा होमस्टेमा चौधरी अनलाइन टिभी युट्युब च्यानलमा चाहिँ बातचित गरेको थियौँ दस्याफे लग्न आशिक लगा हाम्रो अगाडि कलाकारबाट एक ठो दस्या गीत थिए आफ्नो कहाले खै सगर खाँदै भयो ए हो कहाले खै जगत बन्धा कहाले खै जगत बन्धा आना लेख दियारी में जगत खानै पुगो ए हो धन लेख दियारी में जगत बन्धा धन लेख दियारी में जगत बन्धा मैले लागबाट सोचेको छु आफ्नो अपना हुक्नक समयमा अपना चाहिँ रेकर्ड गर्लक धन धन आधा दर्जन जति गीत थिए होला हाम्रो ऊ गीत थिए सुन पहिलाको अवस्था थिएर तर आजकल हाम्रो ऊ गीत चाहिँ कम सुन्न पाइदिउँ होइन ऊ गीतमा चाहिँ अपना हुक्न पहिले चाहिँ चल्ती रहेको एकचोटि गीत हाम्रो छुट्टी रह सुन्न गीत थियो ऊ छल कल जियारा मोर्कना गीत एक ठाउँ प्रख्यात गीत रह ऊ गीत हाम्रो अब के पुस्ताको सुन फेरि पहिला हुन्छ ऊ गीत एक चाहिँ अपना गुनगुना खाना सुनादिनँ धन्यवाद
दाइरी छलकल जिहरा मो दाइरी छलकल जिहरा मो उत्तर हेरो पर्वत वा दक्षिण तराई उत्तर हेरो पर्वत वा दक्षिण तराई सकुजना नेपाली हुई नहीं हुई पराई सकुजना नेपाली हुई नहीं हुई पराई ऋषि मुनि कुटी मना मंदिर के देश ऋषि मुनि कुटी मना मंदिर के देश सद भर जोगई परना अपन भाषा बेश अपन भाषा बेश दायरी छलकल जिहरा मो दायरी छलकल जिहरा मो दायरी छलकल जिहरा मो हमारे एक तो थारू समुदाय में एक तो गौरव के विषय है वो असिन सिंह पुराण गीत हमारे थारू समुदाय के लागी जो मिल खाना पैसा बर हमार सुरखेत के वेशभूषा अथवा थारू समुदाय के वेशभूषा सबको विषय पर रखना हल्के गीत झलका खाना गीत लेख खाना झलका खाना एक तो रिकॉर्ड कर लग अवस्था में हमारा अग्रस होकर बहुत हृदय देखी नहीं धन्यवाद दे यह क्रम में हमारे और कलाकार नरबाली चौधरी से जाता सर के गीत चाहिँ हमरा बहुत सुन्न पाइला कि समय समय में हमारा कार्यक्रम में जो थारू समुदाय में से जाई पर्ना लड़का आने बाटल हुकन एक मार्ग निर्देशन देखे लाग एक डगर देखाएक लाग हमारे कला संस्कृति जोगाई पर अटकना उद्देश्य जो कार्यक्रम में फिर अग्रसर हुईलक हमारे एक कलाकार हुई तो नरबहादुर चौधरी सर की भूमिका फिर एकदम अहम भूमिका बाटी हुकार एक गीत फिर हमारा सुन पैले से मजा ही मेरा उत्तर हेरो सीधा पहला दक्षिणा निकास उठो जागो दादू भैया करा बी विकास आओ रे गोची गोचा दादू रे भाई आओ रे कांधा मा कांधा मिलाए आओ रे गोची गोचा दादू रे भाई आओ रे कांधा मा कांधा मिलाए बुलबुले का शीतर पानी सुर्खेत का पहचान सद भर बचाई पर्ना हमारा पन सैदान आओ रे गोची गोचा दादू रे भाई आओ रे गोची गोचा दादू रे भाई आओ रे गोची गोचा दादू रे भाई आओ रे कांध म कांध मिलाई धन्यवाद एकदम मयूर गीत हमार सुर्खेत म जथ्याक थारू कलाकार हुँ बाट प्रत्येक गीत म एक ठो मित शब्द हो हाम्रा थारू समुदाय कसैको अगाडि बढिना खालके प्रेरणा देना खालके शब्द के बाटी यी गीत हुँ अपनाउँ सुन्देवी यह क्रममा हाम्रो धन्न धन्न 49-50 संस्थे रेकर्ड गरिकन आएको थियो हाम्रा अग्रज कलाकार गायिका तहको निरु चौधरी जी पुनःफे गीत रेकर्ड गर्न र रेकर्ड गर्न भएको हुन्छ सुनादेखि पुरै नै लसरी एक लाइनसम्म पहिला अब हाम्रो कार्यक्रम के धन धन अन्त्य में आसिक लगा थी आज हाम्रो थारू समुदाय में
थारू हुक्र देलक योगदान अथवा हमार अग्रस हुक्र देलक योगदान के बारे में बात बुझिए अस्त मैगर मैगर बात हुक्र अपना हमार चौधरी ऑनलाइन टीवी यूट्यूब चैनल में से हेर सकने बाकी मैं अंत अंत आशिक बात हूँ यह क्रम में मई अपने हुकन कुछ पूछ बिस्लक अथवा मैं ई कह बिस्लिं अथवा मैं ये प्रश्न पूछ ई कने रहू कना अपने मन में कुछ लागल खास म हमार उत्साह हो मैं अपने उत्साह से लागत हम कला संस्कृति रीतिरिवाज के बीच में ऑनलाइन टीवी के बीच में हमन से एक ठो अपन कला प्रदर्शन करना मौका देना को से चौधरी ऑनलाइन टीवी है ना धन्यवाद दिए चाहते याकर बीच में से कला अगर कला से गीत कला संस्कृति के रीतिरिवाज के बीच में शायद सुर्खेती थारून के बीच में चांसों से सब जन ले दी कना चाहिँ एक छोटो मै अपना अपना हुन बिचमा न खडेरी परल बेलामा हाम्रो बर्खा लग्न लगिना चाहिँ एक गीत गइना चाहिँ त मनको कुरा तु यार यार कुइया पाना भरानी रे नाम रे नाही जनानु बुंडाए के पानिया पिए दे बुंडाए के पानिया पिए दे मोर हीरा दाजुराई धन्यवाद एकदम मैगर गीत का ये गीत का अस्त अस्त गीत हुआ हमारा सुन पर्ना बा बुझ पर्ना बा अपना ग्रह सिखा दे पर्ना बा हमारा सीख पर्ना बा इस चीज़ से हमारे निरंतर देने बाटी अपनों को निरंतर देने बाटी चौधरी ऑनलाइन टीवी यूट्यूब चैनल हेती अलग हमार देश विदेश मर अलग हमार दर्शक होगन अपना क्या कहा चौधरी ऑनलाइन टीवी हेती अलग सबको स्वदेश या विदेश में बस कर हमार नेपाली सबको नेपाली कौन धन्यवाद देती दशिक हमार ये बड़ा दशिक उपलक्ष्य में आदि आदि मंगल में इसको आना दिक्कत होती देश विशेष विदेश में बैठना दादू भैया हमार स्वदेश में भी बैठना दादू भैया और सपून संपूर्ण हमार थारू दादू भाई हैं बन आने शुभ कामना ये उधर ही ऑनलाइन टीवी हेर दी कना शुभ कामना बहुत मई अतिर अलग दशक बड़ा दशक शुभकामना दशक तिहार के शुभकामना देती संपूर्ण बाहर देश बाहर देश देश में रहल दादू भैया हम सब कुछ हेर देवी करना अनुरोध करती ऐना लग विजया दशमी को छठ पर्व तिहार के उपलक्ष्य में न देश में देश और विदेश में रहल हमार थारू दाजू दादू भैया दीदी बहनिन ये थारू ऑनलाइन टीवी में ये थारू कार्यक्रम सबकुजन हेरदेवी कना रसिया व तिहार के शुभकामना मंगलमय शुभकामना व्यक्त करतु धन्यवाद नमस्कार नेपाली हमार दादू भैया दीदी दीदी बहनी नेपाल अधिराज लगायत देश विदेश में रहल संपूर्ण हमार विशेष कर थारू गोची गोसा लगायत सबकू जहन ई चौधरी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल हेर देवी पुनः सब्सक्राइब कर देवी अपना ऐना ये दस्या थारून के चार पर्व दस्या ऐना दस शुभकामना देखी मैं बिदा हेतु धन्यवाद सबको अग्रज कलाकार हुकन अब अपना उग्र हेती बाटी चौधरी ऑनलाइन टीवी यूट्यूब चैनल ये चैनल अपना सब्सक्राइब लाइक और कमेंट कर देवी ओ देश विदेश में रहल संपूर्ण कबीला हुकन ये चैनल हेरदेवी कना मैं हार्दिक अनुरोध करूँ ऐतिर अलग दशक
शुभकामना देती मई कार्यक्रम प्रस्तुता राजू चौधरी फिर विदा हुई तू हस्त धन्यवाद राम राम जय गुरु बाबा।